हेलो बच्चों, आज हम शुरू करते हैं केमिस्ट्री और बेंजीन। तो आइए जानते हैं कुछ बेंजीन के बारे में। माइकल फैराडे वाज द फर्स्ट हु आइसोलेटेड बेंजीन फ्रॉम द गैसियस मिक्सचर। सबसे पहले माइकल फैराडे ने बेंजीन को फाइंड आउट किया था 1825 में। फर्स्ट मेंबर ऑफ होमोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन इज बेंजीन। बेंजीन जो है वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर है, ओनली होमोसाइक्लिक है, फर्स्ट होमोसाइक्लिक। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स वो होते हैं जिनके अंदर प्लीजेंट ऑर्डर आती है। एरोमा इज मेड अप ऑफ प्लीजेंट ऑर्डर। बेंजीन हैज प्लीजेंट ऑर्डर एंड कैन बी फेल्ट नियर द पेट्रोल पंप। अगर आप पेट्रोल पंप पे जाएंगे तो वहां पे पेट्रोल के अंदर एक अजब सी स्मेल होती है। तो वो जो स्मेल होती है स्पेसिफिक, इट इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ बेंजीन। केकुले गेव द स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। तो केकुले ने यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये स्ट्रक्चर दिए थे बेंजीन के बारे में, और पता चला कि बेंजीन हैज कॉन्जुगेशन ऑफ डबल बॉन्ड, हेंस शोज रेजोनेंस। बेंजीन के अंदर अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है। आप देख पा रहे हैं डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हर एक स्ट्रक्चर के अंदर अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड के बाद सिंगल, सिंगल के बाद डबल, फिर सिंगल, और जब ये होता है तो ये कॉन्जुगेशन का इसेंशियल कंडीशन होता है, और जब कॉन्जुगेशन कहीं पर होगा तो इट विल कॉज रेजोनेंस। तो बेंजीन के अंदर आप जानते हैं रेजोनेंस होता है। बात करते हैं स्ट्रक्चर के बारे में और आगे चलते हैं। डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन जो बेंजीन का होता है, इट इज फाइंड 4। बॉन्ड ऑर्डर इज फाउंड 1.5। बस यही था जिसने प्रॉब्लम शुरू किया बेंजीन के साथ। स्टार्टिंग फेज में लोगों ने अज्यूम किया था कि इसके अंदर डबल और सिंगल बॉन्ड होते हैं, लेकिन एक्सरे से पता चला कि इसके अंदर बीओ ना तो दो आता है और ना ही एक आता है, बल्कि कितना आता है 1.5। और ये आप देख पा रहे हैं 1.5 का मतलब है कि बॉन्ड ना तो सिंगल है, क्योंकि सिंगल होगा तो बीओ एक हो जाएगा, और जब बॉन्ड डबल होगा तो बीओ टू हो जाएगा, बल्कि ये ना टू है ना वन है, 1.5 है। इसका मतलब है कि बीओ जो है, बॉन्ड जो है कार्बन कार्बन के बीच, इट इज 1.5। तो बाद में पता चला कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है, जिसकी वजह से डबल बॉन्ड जो होता है वो लगातार अपनी पोजिशन को चेंज करता रहता है। और केकुले ने दिखाया कि इसको हम लोग ब्रोकन लाइन से शो करते हैं या रिंग से दिखाते हैं, तो हमको मालूम पड़ता है इस स्ट्रक्चर से कि यहां पर 1.5 बीओ है और यही रेजोनेंस। आइए बात करते हैं स्ट्रक्चर की। बेंजीन के अंदर आप देख पा रहे हैं कि 6 कार्बन का हेक्सागोनल रिंग होता है। हर एक कार्बन जो होता है वो sp2 हाइब्रिडाइज होता है, यानी कि बेंजीन की अगर बात करें तो बेंजीन में 6 कार्बन का रिंग जो है वो फ्लैट होगा, जैसे कि पेपर होता है। अगर पेपर को आप चिपकाना चाहें तो बेंजीन का स्ट्रक्चर भी ऐसे ही फ्लैट होगा। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये पहला स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रही है, यहाँ पे दूसरा स्ट्रक्चर दिखाने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर दिखाया हुआ है, आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, लेकिन अगर आपने हाइब्रिडाइजेशन थोड़ा ध्यान करें तो आपको मालूम पड़ेगा कि हर एक कार्बन के पास एक पी अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है। तो ये वो वाला पी है जो हाइब्रिडाइजेशन में यूज नहीं हुआ है, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। ईच एंड एवरी कार्बन हैज अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। तो आप देख पा रहे हैं हर एक पी ऑर्बिटल में एक अनहाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है। अब ये जो यहां पे इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, और ये क्या करेगा, ये साइड वाइज ओवरलैपिंग करेगा, और जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होगी तो ये देखिए यहां पर ये वाली ओवरलैपिंग दिखाते हैं। ये देखिए यहां पर ये वाली देखिएगा, इसको थोड़ा ऐसे कर देते हैं, ये देखिएगा यहां पर ये वाली ओवरलैपिंग। तो ये हुई ऊपर रिंग के ऊपर ओवरलैपिंग हुई डबल बॉन्ड की। ये देखिए नीचे की तरफ हुई ये वाली रेड वाली जो आप देख पा रहे हैं, नीचे की तरफ हो रही है। अब आपको पता है कि यहाँ पे जो डबल बॉन्ड है वो कॉन्जुगेटेड है, और ये ओवरलैपिंग लगातार अपनी पोजीशन को बदलती रहती है। तो अगली ओवरलैपिंग हम लोग यहाँ पे करा देते हैं जी, ये देखिएगा, और अगली ये देखिएगा, ये देखिएगा, और फिर ये नीचे वाली ओवरलैपिंग ये रेड से दिखाते हैं यहाँ पे, देखिए ये देखिएगा, ये देखिएगा, इसको थोड़ा सा यहां से गलत हो गया, इसको ये देखिएगा, ये देखिए।
तो ये देखिए यहां पे आप देख पा रहे हैं कि डबल बॉन्ड पहले यहां पर है इन कार्बन के बीच, यहां पर है, पर अगले स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड का पोजीशन जो है वो लगातार बदल रहा है एंड इट इज ड्यू टू रेजोनेंस, जो ऊपर डिस्कस किया था कि भाई बेंजीन के अंदर अल्टरनेशन और डबल बॉन्ड होता है जिसकी वजह से खास बात है ये फिनोमेना है रेजोनेंस अनुनाद, ये खास बात है जिसकी वजह से डबल बॉन्ड जो होता है वो अपनी पोजीशन को लगातार बदलता रहता है। अब कैसे पता चले, तो इस स्ट्रक्चर को देखें, इसको देखें, ये इसके लिए है, ये वाला इसके लिए है, तो इन दोनों से एक ही चीज पता चलती है कि बीओ का वैल्यू 2 है, लेकिन बीओ 2 नहीं होता, 1.5 होता है, क्योंकि डबल बॉन्ड फिक्स है ही नहीं और ये लगातार घूमता रहता है। तो केकुले ने बताया कि वो स्ट्रक्चर, वो कैनोनिकल, वो लुईस स्ट्रक्चर जो डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं उनको बोलते हैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर, ये इमेजिनरी होते हैं और इन दोनों स्ट्रक्चर का एक मीन एवरेज स्ट्रक्चर होता है। अगर मैं यहां पर इसको दिखाने की कोशिश करूं डबल बॉन्ड को, कॉन्जुगेशन को, तो मैं आपको कुछ ऐसे दिखाने की लिए, ये देखिएगा, ये देखिए, एक तो ये ऊपर की तरफ दिखाते हैं, इसको येलो कर देते हैं जी, ऊपर की तरफ आया, ये देखिए, ये आप देख पा रहे हैं, ये कौन सा है जी, ये येलो वाला, ये वाला, ये कौन सा है जी, येलो वाला। अब देखते हैं नीचे वाला, तो नीचे वाला हमने रेड से यूज किया था, तो आइए देखते हैं, तो ये देखिए, ये देखिएगा, तो आप देख पा रहे हैं रिंग के ऊपर और रिंग के नीचे घूम रहा है पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो ये जैसे बर्गर होता है, देखिए ये फ्लैट रिंग है आपका, इसके ऊपर येलो वाला और इसके नीचे आपका रेड वाला, तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड लगातार घूमता रहता है जिसकी वजह से बेंजीन बिहेव करता है हमेशा सैचुरेटेड कंपाउंड और इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड। ये खास बात है बेंजीन की, आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको क्लियर हुआ, फेराडे ने इसको डिस्कवर किया, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन का फर्स्ट मेंबर है, प्लीजेंट स्मेल होती है, सिक्स मेंबर रिंग, हेक्सागोनल रिंग होती है, हर एक कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज होता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर फ्लैट होता है, आप देख पा रहे हैं बेंजीन फ्लैट होता है। बात करें डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन की तो इसका वैल्यू 4 होता है, बॉन्ड की बात करें तो इसके अंदर बॉन्ड ना डबल होता है ना सिंगल होता है बल्कि 1.5 होता है, तो बीओ हमेशा 1.5 आती है। ऐसा क्यों होता है, तो आंसर है रेजोनेंस, रेजोनेंस की वजह से यहां पर क्या होता है डबल बॉन्ड जो है वो फिक्स नहीं होता है, रिवॉल्व करता रहता है, डीलोकलाइज होता रहता है, जिसकी वजह से बॉन्ड जो होगा वो 1.5 होगा एंड इट इज ड्यू टू रेजोनेंस। क्लियर है आपको, देखिएगा, देखते हैं। तो अभी हमने देखा कि बेंजीन के अंदर रेजोनेंस होता है क्योंकि इसके अंदर अल्टरनेशन ऑफ डबल बॉन्ड होता है। तो आइए फिर से एक बार रिवाइज कराता हूं मैं आपको, क्योंकि हम लोगों को बेंजीन का प्रॉपर्टी पढ़ना है और बेंजीन का प्रॉपर्टी पढ़ना है तो ये फिनोमेना बिल्कुल क्लियर होना जरूरी है। अब देखिए यहां पर, यहाँ पे स्ट्रक्चर वन में केकुले स्ट्रक्चर जो बनाया हुआ है इसमें मालूम पड़ता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन यहाँ पर ये है और इसमें ऐसे है, लेकिन मैंने आप, लेकिन अगर आप देखें तो यहाँ पता चलता है कि यहाँ पर ये देखिए डबल बॉन्ड यहाँ पर गया ड्यू टू अल्टरनेशन ऑफ इट्स पोजिशन, क्योंकि यहाँ पे डबल के बाद सिंगल है, फिर डबल है, फिर सिंगल है, तो डबल बॉन्ड मूव कर सकता है, तो जब मूव करेगा तो कैसे करेगा, देखिए यहाँ पर आया तो उसी टाइम में यहां पर चला गया और फिर ये पाई इलेक्ट्रॉन डबल बॉन्ड यहां पर आ गया। जब ये देखिए डबल यहां पर आएगा तो यहां पर दिखाई देगा, ये डबल यहां से मूव करके यहां गया तो यहां दिखाई पड़ेगा और डबल यहां से मूव गया तो ये, यानी कि स्ट्रक्चर 1 स्ट्रक्चर 2 में कन्वर्ट हो गया क्योंकि डबल बॉन्ड की पोजिशन जो है वो घूम चुकी है। अब फिर से देखिए, अगर डबल बॉन्ड की पोजीशन, चूंकि मैं बता रहा हूं आपको कि लगातार घूमती रहती है, तो जब लगातार घूमेगी तो ये देखिए यहां पर चला गया ये डबल बॉन्ड, फिर ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा और फिर ये डबल बॉन्ड यहां पर आएगा, और जब ये होगा तो पता चला कि डबल बॉन्ड जो है, अगर देखिए डबल यहां से यहां चला जाता तो दिखाई ये पड़ेगा, यहां से यहां चल जाता तो ये कुछ ऐसा होगा, यहां से यहां गया तो कुछ ऐसा होगा। इसका मतलब है कि दीज टू स्ट्रक्चर्स आर इंटरकन्वर्टेबल, इसलिए इनको डबल हेडेड एरो से दिखाते हैं और इनका नाम होता है कैनोनिकल या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और ये इमेजिनरी होते हैं, ये एग्जिस्ट नहीं करते, काल्पनिक होते हैं। यहां पर बात करें, अगर हम लोग इसका एक्सरे स्टडी किए करें तो एक्सरे स्टडी से रिपोर्ट आई कि देखिए कार्बन के अंदर सी, आप देख पा रहे हैं कि यहां पर जो कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होगा उसके लिए बॉन्ड लेंथ ये होती है, उसके लिए सी डबल बॉन्ड के लिए यानी कि इसके लिए बॉन्ड लेंथ ये होगी, लेकिन जब रिपोर्ट आई तो पता चला कि इसके अंदर ना तो ये होता है
ना ये वैल्यू होता है बल्कि एक नई वैल्यू आती है 1.39 एंगस्ट्रॉम। इसका मतलब है कार्बन की बेंजीन के अंदर कार्बन कार्बन के बीच ना तो सिंगल बॉन्ड है ना ही डबल बॉन्ड है बल्कि 1.5 बॉन्ड है। इसलिए बात की थी हमने यहां पर आपको बताया था कि बेंजीन के अंदर जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो बॉन्ड ऑर्डर की जो वैल्यू होती है वो बॉन्ड ऑर्डर 1.5 इसीलिए होता है क्योंकि यहां पर जो बॉन्ड है वो क्या है, वो हमारा बॉन्ड है पार्शियल। तो आप देख पा रहे हैं, अब थर्ड स्ट्रक्चर को देखें तो यहां पर हम लोग ये डबल बॉन्ड कैरेक्टर को ऐसे कॉन्जुगेशन की फॉर्म में डीलोकलाइज फॉर्म को एक रिंग फॉर्म में या ब्रोकन लाइन से दिखाते हैं। ये होता है हमारा रेजोनेटिंग हाइब्रिड स्ट्रक्चर, पहले बताया था, और ये एग्जिस्ट करता है क्योंकि ये रियल होता है। आप देखिए बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है तो इसी स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है, इसी लुईस स्ट्रक्चर से मालूम पड़ता है कि इसके अंदर बॉन्ड जो होगा कार्बन कार्बन के बीच वो 1.5 होगा। इससे किसी से क्लियर नहीं होता कि ये इमेजिनरी है, एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रेजोनेटिंग हाइब्रिड जो होता है ये एग्जिस्ट करता है और यही रियल होता है। किसी भी कंपाउंड की प्रॉपर्टी जो होती है वो इससे मालूम पड़ती है। क्लियर हुआ आपको? आगे बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ रेजोनेंस इन बेंजीन, कि भैया आप बेंजीन जो यहां पे पढ़ रहे हैं इससे फर्क क्या पड़ेगा। सर अगर बेंजीन के अंदर रेजोनेंस की बात करें तो बेंजीन बिहेव्स लाइक सैचुरेटेड एंड इलेक्ट्रॉन रिच स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस की वजह से बेंजीन जो है वो सैचुरेट और इलेक्ट्रॉन रिच स्ट्रक्चर की तरह काम करता है, यानी कि इसके अंदर एडिशन रिएक्शन बहुत बहुत कम होती है। इसीलिए इसके अंदर रिएक्शन जो होती है वो होती है सब्स्टिट्यूशन, हम लोग पढ़ेंगे यहां पर। तो यही था कि क्यों बेंजीन के अंदर डबल बॉन्ड होते हुए भी ये एडिशन रिएक्शन नहीं देता है बल्कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है। रीजन है रेजोनेंस, जिसकी वजह से इसके अंदर जो डबल बॉन्ड कैरेक्टर है वो कंप्लीट नहीं होता, पार्शियल होता है, बिकॉज इट इज डीलोकलाइजिंग, लगातार घूमता रहता है। और डीलोकलाइज होने की वजह से बेंजीन जो होता है वो सैचुरेट और इलेक्ट्रॉन रिच साइट की तरह स्ट्रक्चर की तरह बिहेव करता है, इसलिए एडिशन कम देता है और सब्स्टिट्यूशन मेनली देता है। तो बेंजीन के जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर या कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन होगा, जिसकी पहचान है भाई कौन सी रिएक्शन देगा, तो रिएक्शन देता है ये सब्स्टिट्यूशन, डेंडेट ऑफ एडिशन रिएक्शन। तो बेंजीन में यहां पर हम लोगों ने चार मेथड लिए हैं, उसमें से पहले मेथड का नाम है बाय डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ सोडियम बाइंजोएट। भाई डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है डी मींस आउट, रिमूवल, कौन बाहर जाएगा, कार्बोक्सिलिक ग्रुप बाहर जाएगा। तो ये कंपाउंड जो हमने लिया इसका नाम है सोडियम बेंजोएट, और इसको गर्म करते हैं NaOH और CO के साथ, तो ये कहलाता है हमारा सोडा लाइम। तो सोडियम बेंजोएट को सोडा लाइम के साथ जब गर्म करते हैं तब हमारा बनता है बेंजीन। रिएक्शन कैसे होता है आइए जानिए। यहां पर देखिए NaOH में से NaO पार्ट जो है वो इसके साथ चला जाएगा। देखिए पीछे क्या बचा है, बेंच एच बचा है, तो ये एच यहां पर चला जाएगा और कार्बन की वैलेंसी पूरी करेगा। तो ये बन गया हमारा C6H6 बेंजीन और Na2CO3 बाहर निकल गया। अब बात करते हैं फ्रॉम फिनॉल, तो फिनॉल को अगर जिंक के साथ हीट करेंगे तो आप देखेंगे जिंक पाउडर के साथ हीट करने पर फिनॉल से ZnO बाहर निकल जाएगा, लिविंग बिहाइंड बेंजीन। अब बात करते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की, बायसाइक्लिक पॉलीमराइजेशन ऑफ इथाइन। तो इथाइन देखिए यहां पर 3 मोल हम इथाइन के लेते हैं और उसको रेड हॉट कॉपर ट्यूब से पास करते हैं। तो जब ये गैस रेड हॉट कॉपर से पास होगा तो यहां पर साइक्लाइजेशन होने लगता है। ये देखिए कुछ ऐसे साइक्लाइजेशन होगा, ये ट्रिपल बॉन्ड यहां पर चला जाएगा तो अब इनके बीच बॉन्ड बनेगा। जब ये बॉन्ड यहां इलेक्ट्रॉन यहां पर शिफ्ट होगा तो यहां डबल बॉन्ड बचेगा और यहां पर सिंगल बॉन्ड, यहां डबल बचेगा यहां सिंगल बॉन्ड। तो कैसे दिखाई पड़ेगा आइए देखते हैं। तो आपको ये 6 कार्बन इथाइन के आपस में जुड़ जाएंगे। ये देखिए बॉन्ड यहां डबल बचा, यहां पर सिंगल बन गया, फिर यहां पर बॉन्ड डबल हो गया, यहां पर बॉन्ड सिंगल बनेगा, ये देखिए सिंगल हुआ और फिर से ये डबल। क्लियर है आपको, ये हमारा बन गया बेंजीन। अब नेक्स्ट प्रोसेस की बात करते हैं, बाय एरोमेटाइजेशन ऑफ एल्केन्स। जो हायर एल्केन होते हैं, बड़े एल्केन, यानी कि जिसमें कार्बन का नंबर 6 या 6 से ज्यादा होता है, जैसे यहाँ पे सबसे पहला एग्जाम्पल जो नॉर्मल हेक्सेन है, नॉर्मल हेप्टेन, नॉर्मल ऑक्टेन, नॉर्मल वर्ड लगाते हैं स्ट्रेट चेन
एल्केन होता है. तो ये स्ट्रेट चेन एल्केन है, तो यानी 6 या 6 से ज्यादा कार्बन वाले नॉर्मल हेक्सेन को अगर आप क्रोमियम, वैनेडियम या मोलिब्डेनम ऑक्साइड की प्रेजेंस में हीट करेंगे, इन ऑक्साइड्स की प्रेजेंस में हीट करेंगे, तो क्या होगा, बेंजीन बनेगा और आपको 4 मोल डाइहाइड्रिन गैस बाहर निकल जाएगा. क्लियर है? तो ये हमने 4 मेथड पढ़े, इनसे हम कॉमनली बेंजीन को बनाते हैं. बेंजीन की बात करें तो पहले लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज, भाई कैसा दिखता है, कैसा होता है. तो आइए बात करते हैं. बेंजीन इज प्लीजेंट ऑर्डर कंटेनिंग कलरलेस वाटर इनसोलेबल वोलेटाइल कार्सिनोजेनिक लिक्विड. पानी में नहीं घुलता है, प्लीजेंट ऑर्डर का वाला होता है, कलरलेस होता है और हाँ कैंसर कॉज करता है, कार्सिनोजेनिक है ये. अब बात करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज की. तो बेंजीन गिव्स मेनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसको ऐसी से दिखाते हैं, एडिशन रिएक्शंस पुअरली. यानी कि यहाँ पर बेंजीन के अंदर होता है क्या कि बेंजीन को देना चाहिए था एडिशन रिएक्शन, क्योंकि डबल बॉन्ड होता है. वो हम लोग क्लियर कर चुके हैं कि वो डबल बॉन्ड जो है वो पार्शियल होता है और वहां पर एक स्पेशल फिनोमेना होता है रेजोनेंस. रेजोनेंस होने की वजह से बेंजीन बिहेव करता है लाइक इलेक्ट्रॉन रिच साइट. इलेक्ट्रॉन बेंजीन बिहेव्स लाइक इलेक्ट्रॉन रिच एंड सैचुरेट स्पीसीज. तो बेंजीन जो होता है वो सैचुरेट होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होता है, इसलिए वो रिएक्शन देता है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन. एडिशन रिएक्शन बहुत थोड़ी देता है, पुअरली देता है. तो कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ बेंजीन इज ओनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. और कोई पूछे रीजन, तो आंसर होगा रेजोनेंस. आइए आगे देखते हैं कि कैसे होती है ऐसी रिएक्शन.